23 अप्रैल को प्रदेश में तीनों चरणों के तहत लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ। ईवीएम वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक दलों ने विशेष निगरानी के लिए आयोग को आवेदन नहीं दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईवीएम को लेकर आशंका जताई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यदि किसी राजनीतिक दल द्वारा विशेष निगरानी के लिए आवेदन दिया जाता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक दलों ने आवेदन किया था, जिसके तहत उन्हें अनुमति दी गई थी। सेकंड और तीसरा घेरा के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं उनके प्रतिनिधि अगर वो रखना चाहते हैं, 24 घंटा रखना चाहते हैं, रात को सुलाना चाहते हैं, नज़र रखना है उनको, ऐसा लगता है स्वागत है। लिखित आवेदन के पश्चात उनको अनुमति दी जा सकती है और उसमें वहाँ पे उनको रहने और पढ़ने की व्यवस्था होगी। उसमें जो CCTV कैमरे का जो फीड है, लाइव फीड है, उसका एक TV स्क्रीन पर उनके लिए वहाँ पर सहूलियत के तौर पर वहाँ उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे मुझे उम्मीद है कि वो संतुष्ट रहेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, अब राजनीतिक दल अपनी जीत हार को लेकर खुद में रमे हुए हैं। साथ ही मतदाताओं द्वारा ईवीएम में डाले गए वोट पर खास निगरानी भी कर रहे हैं। मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में ईवीएम को सुरक्षा बलों की निगरानी में रख दिया गया है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि मतदान के बाद में उसे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न हो, इसकी निगरानी के लिए विशेष दल बनाया जाएगा और स्ट्रांग रूम में निगरानी के लिए उपस्थित भी रहेंगे। इसमें प्रत्याशी और पार्टी के एजेंट मौजूद रहेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग को आवेदन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी और पार्टी एजेंट को स्ट्रांग रूम में निगरानी के लिए लगाया था। पिछली बार भी जो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी थे उन्होंने पूरी सजगता बरती थी और स्ट्रांग रूम के बाहर, चूँकि नियम भी है, राजनीतिक दल और प्रत्याशी चाहे तो अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं और हमने भेजा था, और इस बार भी हमारी पूरी सजगता रहेगी और हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और हम पूरी सजगता के साथ मतदान के बाद किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी न हो, इस दिशा में पूरी हमारी निगरानी रहेगी और हम इसके लिए मुस्तैद भी रहेंगे। वहीं कांग्रेस से ठीक उलट भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग पर पूर्ण विश्वास जताया है। भाजपा के प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने विशेष निगरानी दल बनाकर स्ट्रांग रूम के सामने बैठे थे, लेकिन भाजपा उस समय किसी भी विशेष दल का गठन नहीं किया था और इस बार भी लोकसभा चुनाव में किसी विशेष निगरानी दल का गठन नहीं करेगा। उपासने ने स्ट्रांग रूम में किसी भी प्रकार मशीनों में छेड़खानी को दरकिनार करते हुए कहा कि पार्टी को आयोग के कर्मचारियों का पूरा विश्वास और निष्ठा है। कि कांग्रेस जो है अविश्वास की राजनीति करती है और केवल राजनीतिक प्रोपोगंडा करने का काम करती है। यदि वास्तव में ईवीएम पर या प्रशासन पर उनको किसी प्रकार का, तो अभी वर्तमान में भी जो विधानसभा चुनाव में उन्होंने हल्ला मचा कर वहाँ रात दिन बैठे थे, बैठना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हमारे जो कर्मचारी हैं उन पर पूरा विश्वास है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने कोई अपने वहाँ पर विशेष व्यवस्था नहीं की थी, क्योंकि पूरी जो निष्ठा से काम करते हैं, जो जिम्मेदारी इसको मिलती है वहाँ पर, और स्ट्रांग रूम इतना स्ट्रांग होता है कि वहाँ किसी को घुस कर जो है बेटियों के साथ छेड़खानी करने का कोई अवसर मिले। बहरहाल अब राजनीतिक दल और मतदाताओं की नजर सीधे चुनाव परिणाम पर है, जो 23 मई को घोषित होगा। तब तक सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों में ऊहापोह की स्थिति देखी जा रही है। देश टीवी के लिए स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।